गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने सोशल साइंस में जो आपकी बुक का सेकंड पार्ट है अर्थशास्त्र, उसमें फर्स्ट नंबर का अध्याय कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम जो बुक का आपकी थर्ड पार्ट है जो भारत और समकालीन विश्व वन, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपकी एक इतिहास की बुक है। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर का खंड वन है घटनाएं और प्रक्रिया। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, घटनाएं और प्रक्रिया, जो मतलब इतिहास में जो पहले घटनाएं क्या हुई थी और प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है आपका अध्याय वन। अध्याय वन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, मतलब जो फ्रांस में जो क्रांति हुई है जो इतिहास में, वो हम इसमें जो चैप्टर है आपका पार्ट, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप 14 जुलाई 1790 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह भी थी कि वह सेना को नागरिकों और गोलियों चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करते हुए निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब क्या हुआ, 14 जुलाई 1790 की सुबह वो क्या था, वहाँ पर आतंक का माहौल था, मतलब लड़ाई का माहौल था। अब जो सम्राट की जो सेना थी उसने क्या किया था, वो घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह भी फैला दी थी कि नागरिकों में क्या चलाएं, गोली चलाई जाए। और वहाँ पर कितने थे, 7000 तो मर्द थे और वहाँ पर औरतें भी थी, और वो औजार उनको चाहिए थे तो उसके लिए वो क्या करे, बिना इजाज़त के सरकारी दफ्तर में भी घुस गए। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ाए लिए गए। अब क्या हुआ, सैकड़ों लोग ने तो इसमें क्या पेरिस के एक जो युद्ध था उसमें भाग लिया और जो जेल थी वहाँ की, बास्टिल जो जेल थी उसको भी तोड़ दिया और वहाँ पर क्या हुए, गोले बारूद भी हुए, वहाँ पर लड़ाई हुई और उससे क्या हुआ, हथियार भी क्या हुए उस लड़ाई में, हथियारों से कमांडर था उसको मार दिया गया और जो कैदी थे उनको भी छोड़ दिए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरपुंज शक्तियों का एक प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। अब क्या थी, उनकी जो संख्या थी वो केवल 7 ही थी और क्या हुआ था फिर, सम्राट की जो शक्तियाँ का प्रतीक होने के कारण लोगों में क्या हो गई थी, घृणा फैल गई थी। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो ध्वजंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को इस ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, अब देखिए आप, ये जो घटना है वो क्या हुई, बहुत उसका संघर्ष हुआ, मतलब ये घटना है हुई थी जो वो क्या हुई थी, बहुत बड़ी हो गई थी और जो वहाँ पर अधिकांश जो जनता थी वो क्या थी, वहाँ पर रोटियाँ महंगी हो गई थी तो उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और जो संघर्ष हो रहा था ये उससे अधिकांश लोगों को क्या थी, ऐसा करने की जो नतीजा हुआ उसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ ये हम आगे पढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब जो 18वीं सदी थी उसमें जो फ्रांसीसी समाज ने क्या किया था वो इसमें हम पढ़ेंगे। 1774 में बुर्बो राजवंश की हुई 16वीं फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट में हुआ था। अब जो वहाँ पर एक राजा था, राजगद्दी पर सिंहासन किया था, उसकी उम्र कितनी थी, बस 20 साल की थी और उसका विवाह कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में। राज्य आरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चली युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्षाई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूली खर्च का बोझ अलग से था।
अब लुई सोलवी के 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता भी दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवे पर भी अधिक का खर्च जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब क्या हुआ था, अब जो राजा था वहाँ पे उसको राजगद्दी पर बिठाया गया था। वो उसकी उम्र 20 साल की ही थी और उसका विवाह हो चुका था। फिर उसके बाद जो संसाधन थे युद्ध के कारण जो अधिकतर संसाधन वहाँ के नष्ट हो चुके थे और वहाँ का जो विशाल महल था और जो राज दरबार था उसमें भी क्या हुए थे, भोजी फिजूल खर्ची किए गए थे, जिसके कारण भी पैसे अधिक खर्च हो गए थे। अब फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था और कर्ज चुकाने पर वो मजबूर था। और वो धीरे धीरे उनके पैसे और बढ़ते जा रहे थे और वो कर्ज चुकाने पर क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। अब अपने नियमित खर्चों जैसे सोने के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बांटा और केवल 3 स्टेट के लोग जनधारण ही कर अदा कर सकते थे। अब क्या हुआ, वहाँ पर जैसे नियमित जो खर्चे जैसे सोना चांदी, जो राज दरबार में जो सरकारी काम के लिए जो पैसे थे, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो पैसे रखे हुए थे, वो उन्होंने क्या कर दिए थे, वो खर्च करने का सोच रहे थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था और प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1790 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। अब जो पुराना राजतंत्र था उसका उपयोग भी क्या कि पहले फ्रांसीसी समाज के संसाधनों के लिए किया जाता था। संस्थाओं मतलब जैसे कुछ विद्यालय होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं उसके लिए। अब देखिए फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% क्या है वहाँ पर, किसान भी है। अब लगभग लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब वहाँ के जो ज़मीन मालिक थे वो किसान की तो बहुत ही कम थी। अब लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन चर्च पर तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। अब जो 60% वहाँ की ज़मीन था वहाँ पर किसका अधिकार था, अमीर लोगों का अधिकार था। प्रथम तो एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जनता प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट पाना। अब कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकारों भी हासिल थे। माँ के कुछ कुलीन वर्ग को क्या थे, जो विशेष जो अधिकार रहते वो भी उनको क्या हासिल थे, उनको पता थे और वो कर सकते थे ऐसा। वह किसानों से सामती कर वसूल करता था और किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करता और सैन्य सेवा देना आदि अथवा सड़कों के निर्माण सहयोग आदि करने के लिए बाध्य था। अब जो वहाँ के किसान थे वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे और उनको खेती करके देते थे, जिससे उनका क्या हो, घर खर्च चले। चर्चा भी किसानों से करों का एक हिस्सा थी और ताइत धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। अब वो कर के रूप में उनसे क्या करता था, वसूलता था। कर मतलब ब्याज के रूप में वसूलते थे। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था और इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी जो रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार क्या था, राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। वो जो इस प्रकार जो वहाँ का राज्य का कामकाज तो वो क्या जनता के ऊपर ही उनका बोझ पड़ गया था, उनसे करवाते थे। अब यहाँ तक आज हमने रीड किया है 18वीं सदी के जो फ्रांसीसी समाज वाला टॉपिक। अब इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में रीड पढ़ेंगे।